ध्यान से देखिए, आपको याद आ रहा होगा बचपन की वह यादें जब धान पक जाता है, घर का मुखिया घर के सदस्य काट कर ले आते हैं, ऐसे ही ओखल और मूसल के सहारे धान की कुटाई होती है, खर्ची ख़त्म हो जाती है, खर्ची माने जैसे अनाज परिवारों में ख़त्म हो जाता है, तो इस प्रकार उसे कुटाई करके उसका भात बनता है, चावल उसे शुद्ध शब्द में कहेंगे, संस्कृत में ओदनम बोलते हैं, चावल बनेगा। चावल के साथ अगर सब्जी नहीं है तो चावल का माड़ जिसमें नमक डाल करके, और अगर कुछ अचार प्याज यह सब मिल जाए तो उसका आनंद ही कुछ और है, इस प्रकार उसे लोग खाते हैं। यह ओखल मूसल का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, परिवारों में नहीं मिलेगा। मैं जिस परिवार में हूँ, यह इन लोगों ने बताया है कि करवा चौथ का समय आ गया है। करवा चौथ पति के लिए यह व्रत महिलाएं रखती हैं, करवा चौथ के लिए इस धान की कुटाई हो रही है। यह बिल्कुल नया धान है, आप एक बार मूसल गिरते हुए देख सकते हैं किस प्रकार गिर रहा है, और भूसी अलग हो जाएगी, चावल अलग हो जाएगा। अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, अब यह कुटाई करके सूप में जाएगा। सूप के बारे में कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ऐसा साधु चाहिए जैसा सूप का स्वभाव है। सूप को एक बार दिखा दीजिए, इधर देखिए, सूप को आप देख सकते हैं, यह सूप है। सूप बनाने वाले भी अब नहीं रहे, देखिए किस प्रकार इसकी बुनाई हुई है, और गांव-गांव में सूप बेचते थे लोग, चलनी होता था, सूप होता था, और सूप में अब निकालिए, सूप में देखिए चावल जिसकी कुटाई हुई है धान की, अब यह चावल अलग हो जाएगा, भूसी अलग हो जाएगी, और फिर इसमें से चावल दिखेगा, एक बार फिर कुटाई इसकी होगी। चलिए एक बार फिर मूसल शुरू हो जाए, मूसल गिरना, धान इसमें डालना है क्या? चलिए अब देखिए, मैं इधर से दिखा रहा हूँ, यह है भूसी। भूसी का पहले बड़ा उपयोग था, इसको अंगीठी जलाने का काम आता था, इससे अंगीठी जलाते थे। और यह देखिए एक बार इसकी पुनः कुटाई होगी, पुनः कुटाई होने के बाद इसमें चावल अलग हो जाएगा, धान अलग हो जाएगा। अब इन लोगों की आदत तो है नहीं उतनी, मैं परिवार भी नहीं बताऊंगा और इन लोगों को कोई परहेज भी नहीं है, बहादुर हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों ने इसे स्वयं इच्छा प्रकट किया है कि YouTube पर इन पुरातन चीज़ों को भी जाने की आवश्यकता है। इस मूसल से परिछावन भी चलिए, जो हमारे दोस्त बाहर हैं उन्हें भी यह लगता होगा कि हम इतना दूर हैं, और उन्हें भी अतीत याद आएगा, बचपन स्मरण हो जाएगा, और कुछ देर के लिए उन्हें लगेगा यार हमारा गांव कितना अच्छा था, हमारा घर कितना अच्छा था, और वे दिन कितने सुखद अनुभूति के कारक थे जब हम धान काट के ले आते थे, धान की कुटाई होती थी, माड़ और भात खाते थे नमक डाल करके, फिर जाड़े के दिन में, अब ठंड का मौसम आने वाला है, ठंड के मौसम में वही भात और दाल में कुछ जैसे मटर डाल करके बनता था, और भी बथुआ पालक डाल करके, उसे कहीं कहीं दलपहिता सकपहिता और अन्य नाम दिया जाता था, अंगीठी पर रख करके रात को जो बच जाता था उसे ठंड में ख़राब नहीं होता था, सुबह अंगीठी पर रख करके उसे गर्म किया जाता था, और फिर खूब तबीयत से उसको खाते थे।
कहाँ गए हमारे वे दिन, कहाँ गया वह समय, और किस तरह से परिवर्तन हुआ है हमारी जीवन शैली में, उसे आप देख सकते हैं। सूप को आपने देखा, यह ओखल आप देख रहे हैं, यह मूसल भी देख रहे हैं, और इन लोगों को भी देख रहे हैं धान की, यद्यप की अलग पढ़ी लिखी हैं, सेवाओं में भी हैं, सरकारी सेवा में भी एक है मैडम इसमें, लेकिन इन लोगों ने अभी तक उस काम को छोड़ा नहीं है। इनका कहना है कि हम जब तक जिंदा हैं अपने उस यति अतीत को हम गरिमा के साथ धारण करेंगे, छोटा मोटा करते रहेंगे, कपाल बाथी अनुलोम विलोम, और उसकी क्या आवश्यकता है यदि जांच चलता रहेगा। और कबीर की चक्की, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोए। जब तक चक्की चलती रहेगी, जब तक मूसल ओखल में गिरता रहेगा, धान की कुटाई होती रहेगी, तब तक डॉक्टर के आने की ज़रूरत नहीं है। यह चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले प्रसव भी होते थे, घर हो जाते थे, कहीं डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब लोगों ने एक्टिव रहना छोड़ दिया। यह काम जाता कितना अच्छा था, जात में जो पिसाई होती थी बहुत अच्छा था, और फिर उससे पूरी कसरत हो जाती थी। आज वह चीज़ें अतीत के पक्ष बन गए हैं। अब हम अपने बच्चों को कैसे बता पाएंगे कि धान की कुटाई घर पर कैसे होती थी। पहले एक ढेकी हुआ करता था, ढेकी ऐसे पैर से चलाते थे और उससे कुटाई होती थी। चलिए, आप सभी को अच्छा लगा होगा ये ओखल मूसल और धान की कुटाई, सूप, और यह ग्रामीण कल्चर, अपने किसानों के घर की व्यवस्था, अपना वह पुरातन तकनीकी पक्ष जिससे हम सारा कुछ कर लेते थे, कहीं मशीनीकरण नहीं था, और अच्छा व्यायाम भी हो जाता था। एक बार आप देख सकते हैं कि हम मूसल लगातार गिर रहे हैं और धान की कुटाई संपन्न हो रही है। आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हम विनम्र भाव से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर लें। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं वह सादर अनुग्रहित करता हूं, और सभी का जवाब देने का भी प्रयास करता हूं। आप सभी को इस प्रकार के मनोरंजन पक्ष से लगातार अवगत कराता रहूंगा, बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। इंडियन कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा ग्रामीण यशस्वी जीवन क्या था, हमारे जीने की शैली क्या थी, हम किस तरह से अपने आप में प्रसन्न होकर के जीवन आदर्श रूप में जीते थे, उस पक्ष का प्रस्तुतिकरण लगातार मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। आशा है आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, आप सभी को अच्छा लगेगा। आज है 10 अक्टूबर 2018 को, हम हैं अपने गाजीपुर जनपद में ही सदर विकास खंड में। धन्यवाद।